मैडम का मूड ठीक है ना? हाँ जी सर, फाइल मेरे सामने है, मैं साइन करके भिजवा देती हूँ। यस सर। ओके सर, ओके। लीजिए, एक और पॉलिटिकल सड़क का सैंक्शन आ गया है। पॉलिटिकल सड़क? मैडम मैं कुछ समझा नहीं। 3 साल पहले इसी सड़क को बनवाने का प्लान हमने भेजा था, तब कोई सुनवाई नहीं हुई, लेकिन अब जब इलेक्शंस नजदीक आ गए हैं तो मिनिस्टर साहब को अपने गांव में सड़क बनवाने की जरूरत महसूस होने लगी है। अब ये पॉलिटिकल सड़क नहीं है तो और क्या है? मैडम ये PWD। हाँ, मंगाया था मैंने। ये पेपर सारे जेरोक्स कर दिए है ना? जी नहीं, मशीन खराब है। कोई बात नहीं, आप कर दीजिए। और ये क्या है? ओ, लीव एप्लीकेशन। जी, दरअसल लंबी बीमारी के बाद मेरे चाचा जी की मृत्यु हो गई, इसीलिए मुझे जाना पड़ेगा। मिस्टर देशमुख, आपके कितने चाचा हैं? एक ही थे। ये चाचा जी से आपकी कोई दुश्मनी थी क्या? जी जी, मैं समझा नहीं। मिस्टर देशमुख, क्या है ना कि आपके लीव रिकॉर्ड के हिसाब से आप ये चाचा जी को 3 बार मार चुके हैं, आपके माता पिता को 2-2 बार, दादाजी को 4 बार, नानी को 1 ही बार। जी जी ओ मिस्टर देशमुख, अगली बार मुझे इतना क्रिएटिव बहाना चाहिए कि एप्लीकेशन पढ़ते ही मुंह से दांत निकल जाए और मैं आपका लीव एप्लीकेशन सैंक्शन कर दूं। कोई घिसा पिटा तमाशा नहीं चलेगा। ओके जी, अच्छा, यू मे गो। मेहता जी, लगता है इन्हें लंबी लीव पर ही भेजना पड़ेगा। एनीवेज, इनका काम तो हम ही कर रहे हैं। ये PWD की फाइल मैं घर ले जाती हूँ, वरना ये काम तो पूरा नहीं होने वाला। क्या हुआ मैडम? क्या हुआ मैडम? मैडम क्या हुआ? दीजिए प्लीज। क्या कर रहे हैं आप? मिस्टर माथुर को फोन लगा रहा हूँ मैडम। उसकी कोई जरूरत नहीं है, जाके वो डिक्टेशन टाइप करा के लाएंगे। ठीक है मैडम, वही करता हूँ। कल सत्यनारायण की पूजा हो रही है। कल? हाँ, पंडित जी के पास कल ही का दिन था, और फिर 1 महीने के लिए पूजा के लिए कोई अच्छा दिन भी नहीं है। यानी कि कल हफ्ते के बीच पूजा रखवा ली आपने? क्यों, अब भगवान को याद करने के लिए भी आपका कैलेंडर देखकर छुट्टी का दिन ढूंढना पड़ेगा? नहीं नहीं, आपने तय कर दिया है तो ठीक ही है, वैसे भी हक है आपको। लेकिन लेकिन माँ। अमित, तुम भी तो कुछ बोलो। माँ, पूरा दिन ऑफिस से छुट्टी निकालना पॉसिबल नहीं है, असेंबली सेशन चल रहा है, वो मंत्री साहब बुला लेंगे फिर। हाँ माँ, पेंडिंग काम तो बहुत है। माँ, मेरा कल अपनी सहेलियों के साथ बाहर घूमने जाने का प्रोग्राम है। कृपया मेरी तरफ तो ऐसे मत देखिए आप, मैं तो आपका दास हूँ। सत्यनारायण की पूजा के साथ साथ आपकी भी पूजा कर लूंगा। जाने दीजिए, आपकी इसी मस्खरी की वजह से घर के और लोगों को शह मिलती है। पीजिए, चाय पीजिए। चाय पियो भाई। अरा सेतु, और लाड साहबों की तरह कल तेरा तो कोई प्रोग्राम नहीं है ना? माँ गुगली। मतलब? माँ, आपकी इस पूजा ने तो कुंबले की गुगली की तरह मेरी तीनों की तीनों विकेट ही उखाड़ दी। माँ कल सुबह मेरा मैच है। माँ बस, मैं एक फालतू हूँ, और लोगों को तो बहुत जरूरी काम होते हैं। माँ ऐसा नहीं है, मैं कुछ ऑफिस में इम्पोर्टेंट फाइल साइन करके आ जाऊंगा। ओके ठीक है माँ, मैं भी अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दूंगी। बड़ा एहसान करेंगी आप। मैं भी रिटायर्ड हो जाऊंगा, अगले मैच में सेंचुरी बना लूंगा। टकाक, तौलिया 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 तौलिया। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। जिसको जो करना है करे, सिर्फ पूजा के वक्त यहाँ सबका होना जरूरी है। हमारे होते हुए किसी और के ख्यालों में डूबी हो। अच्छा है,
पर क्या उस खुशनसीब का नाम जान सकता हूँ? अभी रखा नहीं। रखा नहीं? अमित, आज मुझे ऑफिस में चक्कर आ गया था। चक्कर आ गया? हाँ। तो डॉक्टर के पास गई, अपना चेकअप करवाया? उसके लिए ही तो डॉक्टर गोयल से कल अपॉइंटमेंट ली है। डॉक्टर गोयल? हाँ। अपनी डॉक्टर गोयल? हाँ। सुमन वो तो गायनेकोलॉजिस्ट है। सुमन, 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 सच? हाँ। सच? हाँ। Oh God, I'm so happy, Suman, I'm so happy. सुमन, मजाक तो नहीं कर रही है? नहीं बाबा, इनफैक्ट कल डॉक्टर गोयल के यहाँ जाके कंफर्म ही करना है। मुझे तो यकीन है अमित, हम क्या रहे? ये माँ, जल्दी आओ, खुशखबरी है माँ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। भैया यहाँ तो दीवारों के भी कान होते हैं और मैं तो इंसान हूँ, इतनी बड़ी खुशखबरी है, मैं नहीं चिल्ला, मैं तो चिल्लाऊंगा। कंफर्म तो कर लेने दे भाई। भैया माय डियर ब्रदर, मेरा हाजमा आपकी तरह दुरुस्त नहीं है, मुझसे नहीं पट पाएगी ये बात। क्या हुआ, क्यों घर घर का सर पर उठा रखा है? अब सेतु को पता चला, मतलब ऑल इंडिया रेडियो पर समाचार आ ही गया। घर में इतना सारा काम पड़ा हुआ है, सब मुझी को करना पड़ रहा है, पता नहीं सब कहाँ चले गए, ये नौकर भी नहीं दिख रहे। अरे बहादुर, जल्दी करने का। चंदवा, कहाँ चले गए दोनों? जल्दी कर बहादुर। क्या कर रहे हैं, अभी तक काम खत्म नहीं हुआ? और ये क्या, केले के पत्ते नहीं लाए अभी तक? अभी लाए हम सब तेरी वजह से होता है। और चंदवा, तू पढ़ा रहेगा, काम भी करेगा, जमीता से पूछ पंजरी का प्रसाद तैयार किया कि नहीं। जी मालकिन। ये सब कहाँ कहाँ रख देते हैं, सब उठपटांग रखा है, और पंडित जी भी अभी तक नहीं आए। जय सीताराम, जय सीताराम। आइए पंडित जी, अब आ रहे हैं आप। सूरज सर पर चढ़ाया, कथा 12 बजे से पहले शुरू होनी चाहिए थी ना। चिंता मत करो आप, समय सब अच्छा होता है। अच्छा सामान सब आ चुका है ना? मैंने मंगवा लिया था, देख लीजिए। माँ सब तैयारियां हो गई? जूते बाहर, जूते बाहर। सॉरी सॉरी सॉरी। आ गए हमारे तेंदुलकर साहब, घर में पूजा है लेकिन क्रिकेट जरूर खेलेंगे, समय की कोई कीमत ही नहीं समझता पंडित जी। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते। आप ना कर आइए, बाद में नमस्ते कीजिए, चलिए जाइए। बस यूं गया और यूं आया। लो माँ प्रसाद तैयार है, कहाँ रख दूँ इसे? मेरे सर पर। अरे यहाँ रखो। और ये क्या, क्या पहना ये? क्यों, अच्छा नहीं है? अच्छा है लेकिन जाके साड़ी पहनो। माँ साड़ी नहीं संभलती मुझसे, ये ठीक है ना? बेटा आपके अच्छे के लिए कह रही हूँ, शादी के लायक हो गई हो, और पूजा के दिन साड़ी नहीं पहनोगी तो कब पहनोगी? शादी के दिन? अच्छा ये बताइए, इस नए धोती कुर्ते में मैं कैसा लग रहा हूँ? बहुत स्मार्ट लग रहे हैं पापा। थैंक्स, इसी बात पर ये लो टॉफी। थैंक यू। आप तो बन सवर गए, आप अपनी बेटी को कुछ समझाइए। पापा माँ साड़ी पहनने के लिए कह रही है, हमें नहीं पहननी। माँ कह रही है सो कह रही है। ओके गुड। अब हमसे भी कहिए क्या हुक्म है होम मिनिस्टर साहिबा? दादा बनने वाले हैं लेकिन बचपन अभी तक नहीं गया। ये तो बहुत खुशी की बात है, इसी बात पर आप भी एक टॉफी लीजिए। केला का पत्ता नहीं दिख रहा। बहादुर, ए बहादुर, लीजिए मैम साहब। ये क्या है? केला खाया, पता लाया। ये भी खा जा, पता है ये पत्ता नहीं है। ये लीजिए मालकिन, केले का पत्ता। अरे बेवकूफ, ये केले का झाड़ लेके आया। बेवकूफ, ये झाड़ नहीं है, पत्ता है। ये लीजिए पंडित जी। अरे भाई मुझे भी तो कुछ काम बताओ। आप अमित को फोन करके पूछिए और कितना टाइम लगेगा। तुमने खुद ही उन्हें डॉक्टर के पास भेजा है, शुभ समाचार शुभ दिन ही आना चाहिए। क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ नहीं? कुछ हुआ कहाँ है, होने वाला है। होने वाला है? मतलब डॉक्टर? मतलब तुम बाप बनने वाले हो। डॉक्टर साहब मैं, हम दोनों, डॉक्टर साहब एक बार आपकी इजाजत हो तो मैं चिल्लाना चाहता हूँ। एक बार। ज्यादा खुश हो जाने का मतलब लापरवाह हो जाना नहीं है, ये पहला ट्राइमिस्टर है, इस समय ही ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, समझे?
हाँ डॉक्टर साहब, अब मैं इनकी आपसे शिकायत करने वाला हूँ। अब देखिए, यहाँ पर चेकअप है, घर पर पूजा है और मैडम को जाना है ऑफिस में कागज साइन करने के लिए। अमित, तुम्हें पता है ना, आप किसी को कुछ नहीं पता सिवाय इसके कि कुछ दिन आराम काम से ज्यादा जरूरी है। हाँ, आराम के लिए तो मैं हमेशा तैयार हूँ। भाई सोच लीजिए, ब्यूरोक्रेट हैं, कहीं इरादा बदल ना दे। इस बार नहीं, नॉट दिस टाइम। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। चले, ओके बाय। मेरे ख्याल से अब घर पर फोन करना ओवरड्यू हो गया है। ओ हेलो। हाँ सेतु। अरे भैया आप कहाँ से बोल रहे हो? अरे भाई मुंह से बोल रहा हूँ और कहाँ से बोलूंगा। हाँ सुन, चाचा बनने के लिए तैयार हो जा। जी लक्ष्मी भैया, यानी मैदान मार लिया आपने। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? बताओ ना। लगता है जरूर तो खुशखबरी होगी। एब्सोल्युटली राइट। एक मिनट ना, एक मिनट भैया, पहले आप ये बताइए कि आप कब तक आ रहे हैं, क्योंकि पंडित जी आ चुके हैं, पूजा शुरू करनी है। अरे हाँ भाई आ रहे हैं, घर पर आ रहे हैं, जल्दी आ रहे हैं, और दोनों आ रहे हैं। हम आपको बता देना। अरे घर में खुशखबरी देने का मतलब है पटाखे की दुकान में चिंगारी फेंक देना। धूम धड़ाका हो गया है और बाकी तुम खुद चल कर देख लो। सेतु तो ऐसा उछल कूद कर रहा होगा। मुझे तो बहुत अजीब सी फीलिंग हो रही है। अरे अरे राइट की तरफ कहाँ जा रहे हो, घर तो इस तरफ है ना। अरे भाई तुम चलो तो सही, फिलहाल घर का किला सेतु ने संभाल रखा होगा, मैं जानता हूँ। चलो अब बोल भी नहीं बोलूंगा। कोई आने वाला है, कोई आने वाला है। जी हाँ माँ, आप दादी जी बनने वाली है। आप दादाजी, तू बुआ और मैं चाचू। भगवान आज तूने मेरी मुराद पूरी कर दी। अमित भैया को फोन करके पूछो कि और कितना टाइम लगेगा। माँ आपकी फ्रेंड्स। फ्रेंड्स? आप बैठिए, मैं देखती हूँ। आइए, नमस्ते बहन जी। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। आइए इस तरफ आइए। अरे मोबाइल क्यों ऑफ कर दिया? भाई इस वक्त मैं हम दोनों के बीच में किसी तीसरे का दखल नहीं चाहता। इरादा क्या है? इरादा तो नेक ही है। ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हारी आंखों में अपना प्रतिबिंब देख रहा हूं। अमित, यहाँ और लोग भी तो हैं। होंगे, पर मुझे तो सिर्फ तुम ही दिखाई दे रही हो। आज बहुत बहुत रोमांटिक हो रहे हो। बात क्या है हा? भाई प्रमोशन होने वाला है, हम बाप बनने जा रहे हैं। प्रमोशन क्या सिर्फ तुम्हें ही मिलने वाला है? मैं भी तो माँ बनने वाली हूँ। सुमन तुम बहुत सुंदर लग रही हो। I love you. I love you too. मुझे डर लग रहा है। क्यों? वहां कथा शुरू हो गई होगी और हम लोग यहाँ। बस यही तो प्रॉब्लम है सुमन, हम हमेशा वहां की चिंता करके यहाँ को खो बैठते हैं। अब चलो ना प्लीज। सुमन जानती हो मैं तुम्हें डॉक्टर के यहाँ से सीधे यहाँ रेस्टोरेंट क्यों ले आया? मुझे ट्रीट देने फिर तुमसे माफी मांगने। तुम बाप बनने वाले हो इसलिए? सुमन इसमें हंसने की क्या बात है? और नहीं तो क्या, माफी मांगने में तुम्हें 4 साल लगे और वो भी यहाँ रेस्टोरेंट में। अरे भाई सरकारी अफसर हैं, हर चीज में टाइम तो ले ही लेते हैं।
मैं भी तो सरकारी अफसर हूँ, इसीलिए तो मैंने कहा था इट्स डिलेड। अमित, अमित वो वक्त सही नहीं था। कॉफी चलेगी? ओम नागेंद्राय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। ओम जटाकटागलज्जला प्रवाह पावितस्थले गले वलम्ब्यलम्बिताम् भुजंग तुंग मालिकाम् डमर 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 निनाद वड्ड मर्वयम् चकार चंड तांडवम्। जी माँ, अमित से बात हुई क्या? माँ लगता है भैया ने मोबाइल बंद कर रखा है। आ जाएंगे। सर्वांगेष्णानम् जलम् समर्पयामि, जलम् समर्पयामि शुद्धवाल शुद्धोष्णानम् समर्पयामि शुद्धवाल सर शुद्धवाल मणिवाल पयोष्णानम् समर्पयामि पयोष्णानम् समर्पयामि दधिष्णानम् पुनः शुद्धोष्णानम् समर्पयामि पाद्यपाद्यो समर्पयामि शर्कराष्णानम् समर्पयामि शर्कराष्णा भ्योनमापांगुरसम इससे एक बार ट्राई करना। कम ऑन कम ऑन, हमें जल्दी करो। दो मिनट और भाई, सत्यनारायण की कथा है, लंबी चलेगी और मैं तुम्हें स्पीड में पहुंचा दूंगा। दुनिया का सर्वोत्तम सारथी हूं मैं। अब 9 महीने स्पीड वीर भूल जाओ तुम। हाँ ये तो है, अभी आदत धीरे धीरे डालनी होगी। अच्छा सुमन, ये बताओ नाम क्या रखेंगे? नाम विजय। विजय? नो, नेवर। क्यों क्यों क्यों? वो था ना विजय कश्यप, अपनी बैच में मरता था तुम पर। नेवर। तुम पागल हो अमित। अच्छा तुम बताओ। गौतम, गौतम ठीक रहेगा। गौतम, ओके। लेकिन लड़की हुई तो? प्रिया। ये प्रिया कौन है? अरे कोई नहीं भाई, ये लो गौतम और प्रिया, लो साइन करो। हाँ? भाई नीचे साइन करो, ब्यूरोक्रेट हो, कल को अपना निर्णय बदल सकती हो। रखो। चलिए चलो, अभी जल्दी चलो। सुमन तुम ऐसा करो, तुम यहीं ठहरो, मैं गाड़ी लेके आया। हे अमित रुको, मैं भी साथ चलती हूँ ना। मेम साहब आपके पांव भारी हैं, इन्हें इतना मत चलाइए। Come on Amit, this is too much. What is too much? देखो वैसे भी ऐसा कहते हैं कि जब पति अपनी पत्नी से कुछ ज्यादा ही प्रेम जताए तो उसमें उसका कुछ स्वार्थ होता है। और मेरा स्वार्थ तो है ही ना। अच्छा ऐसा करो, तुम माँ को फोन मिला के कहो कि हम अभी पहुंचने ही वाले हैं, मैं गाड़ी लेके आ रहा हूँ। सुमन आप भवे सदा धारे ते पुरारे स्वाहा।